गुड मॉर्निंग क्लास फोर, कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं रश्मि यादव, रशमोर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लास में हिंदी की पहली क्लास हिंदी व्याकरण लेकर आई हूँ, जिसमें आज हमारा पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? भाषा से आप क्या समझते हैं? तो भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, अर्थात हमारे बीच संप्रेषण स्थापित करने का माध्यम भाषा है। इसे दूसरे शब्दों में अर्थात भाषा की परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों को समझते हैं, अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। इसके बाद है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह भाषा है जो हमारे मुख के द्वारा निकलती है, अर्थात मुख से निकलने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुनना, बोलना। सुनना अर्थात किसी की बातों को जब हम सुनकर उसके विचारों को ग्रहण करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसके साथ ही बोलना अर्थात जब हम स्वयं बोलकर मुख से अपने किसी दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा भेद है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़कर उसके विचारों को ग्रहण करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पढ़ना, जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो वह किसी के मन के विचारों का लिखित रूप होता है और भाषा का लिखित रूप कहलाता है। दूसरा उदाहरण है लिखना, अर्थात जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। इस प्रकार भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है और दूसरों के बोली हुई भाषा को सुनकर उसके विचारों को ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत जब हम लिखकर या दूसरों के द्वारा लिखी हुई बातों को ग्रहण करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। हिंदी के अतिरिक्त विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अर्थात हमारे विश्व में हिंदी के अतिरिक्त अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अरबी, फारसी, चीनी, रूसी आदि। ये तो विश्व की बात हो गई। अब इसके बाद हम अपने भारतवर्ष की बात करते हैं। जिस प्रकार विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार हमारे भारतवर्ष में भी हिंदी के अतिरिक्त अन्य कई भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि भारत देश की विशालता के कारण यहाँ राज्यों को अलग अलग किया गया है और प्रत्येक राज्य में उसकी अलग भाषा बोली जाती है, अलग भाषा का प्रयोग होता है। जैसे आप इसे एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, मणिपुरी ये भाषा है यह मणिपुर राज्य में बोली जाती है। कश्मीरी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बंगला, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा प्रयोग की जाती है। असमी, असम राज्य में असम भाषा
भाषा का प्रयोग होता है। मैथिली, बिहार में मैथिली भाषा बोली जाती है। गुजराती, गुजरात राज्य में गुजराती भाषा का प्रयोग होता है। तेलुगु, तमिल में तेलुगु का प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ जैसे कि मराठी, महाराष्ट्र में मराठी का प्रयोग होता है। पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। आइए हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा अर्थात एक दूसरे को समझने का माध्यम, अर्थात हिंदी भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतवर्ष में अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार हिंदी भारतवर्ष के समस्त लोगों को एक दूसरे से बांधने का भी कार्य करती है। हिंदी की अधिकता अर्थात हिंदी का अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। अर्थात भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इसी क्रम में हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने दो पक्ष होते हैं, शब्द और अर्थ। अर्थात हर भाषा के दो पक्ष होते हैं, शब्द और अर्थ, और शब्द में ही उसका अर्थ छिपा होता है। कोई भी शब्द होगा उसका अर्थ उसी शब्द में छिपा रहता है। जैसे पानी और लहर, अर्थात लहर वही उठेगी जहां पानी होगा। इस प्रकार लहर से अगर हमारे मस्तिष्क में लहर शब्द आया तो उसमें पानी शब्द अपने आप स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि लहर पानी में ही उड़ती है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का जो अर्थ होता है वह उसके शब्द में ही निहित होता है। इसके बाद है मौखिक भाषा का आधार ध्वनियां है। अर्थात मौखिक भाषा को हम केवल ध्वनियों के माध्यम से ही समझते हैं। लिखित भाषा का जन्म और विकास बाद में हुआ है। लिखित भाषा जो है उसका जन्म और विकास मौखिक भाषा के कई वर्षों के पश्चात हुआ है। अर्थात ज्यादातर प्रयोग मौखिक भाषा में ही होते थे। लिखित भाषा मनुष्य को अमृत प्रदान करती है। अर्थात हमारे जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके उनका जो कृतित्व कृतत्व कार्य होता है वह हमारे बीच जीवित रहता है। जैसे कालिदास, तुलसीदास, शंकराचार्य, विवेकानंद आदि अनेक ऐसे कवि हुए हैं जिनकी पुस्तकें आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनके कृतित्व के कारण ही वे अमर हुए हैं। चलिए अब हम लोग व्याकरण की ओर चलते हैं। व्याकरण क्या है या व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा की कमियों को, अशुद्धियों को और उसकी गलतियों को दूर करता है। अर्थात व्याकरण के द्वारा ही भाषा शुद्ध, सरल एवं परिमार्जित होती है। हर भाषा के अपने अपने नियम और अपनी व्यवस्था होती है, और व्याकरण के नियम ही हमें अशुद्धियों का ज्ञान कराते हैं। अर्थात व्याकरण के नियमों से ही उन अशुद्धियों को, उन गलतियों को दूर किया जाता है। इसे परिभाषा के रूप में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, सुंदर और शुद्ध भाषा बोलने के तथा लिखने के लिए बनाए गए नियमों को व्याकरण कहते हैं। इसके बाद है व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं, वर्ण,
विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। और अंत में वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य में हुई गलतियों को दूर किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है। तो आज हमारी ऑनलाइन क्लास में पहली क्लास भाषा और व्याकरण पूरी हुई और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी क्रम में बच्चों उसी से संबंधित यानी भाषा और व्याकरण नामक पाठ से ही संबंधित आप सबके लिए 3 अभ्यास प्रश्न हैं जिसे आप अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भारत में बोली जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखिए। तीसरा है, व्याकरण किसे कहते हैं? जो दूसरा प्रश्न है, भारत में बोली जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखिए। तो जब आपकी कक्षा चल रही थी तो उसमें एक चार्ट आया था, भारत का नक्शा। उसमें अनेक भारत के अनेक राज्यों की अनेक भाषाओं के बारे में लिखा था। यह उत्तर आप उसी चार्ट की सहायता से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आप सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आगे दूसरी कक्षा में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।